हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां आए और आप सभी स्वस्थ रहें। इसी आशा के विश्वास के साथ मैं अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूं। इस व्लॉग में मैं आपको अपने फर्स्ट डे की पूजा की क्लिप शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हुई हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये क्लिप ना एक दिन पहले की है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूजा के बर्तन वगैरह की सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। घर की भी मैंने क्लीनिंग की, आज अच्छे से घर को साफ सुथरा किया। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपने मंदिर की भी डीप क्लीनिंग की हुई है। यहाँ पे सब मूर्ति वगैरह को मैंने अच्छे से धुल के, सारे बर्तन को धुल के रख दिया है। और अभी मंदिर आपको पूरा खाली खाली सा लगेगा और कुछ देर बाद मैं अच्छे से सब मंदिर को सजाऊंगी। और सजने के बाद मेरा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है। ये शाम को ही मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख दी है ताकि मुझे दूसरे दिन परेशान ना होना पड़े और जल्दी से मेरी पूजा स्टार्ट हो जाए। सो देख सकते हैं कुछ ऐसा मेरा मंदिर लग रहा है यहाँ पे। और अब ये है कलश स्थापना की क्लिप। यहाँ मैं देख सकते हैं मैंने कलश को अच्छे से सब कुछ सजा कर रख दिया। और यहाँ मैं कलश के कंठ पे मोली बांध रही हूँ। आपको ना कलश के कंठ पे मोली बांधना है, एक बार अच्छे से लपेट के आप मोली को गांठ लगा दीजिए। और यहाँ मैंने कलश में एक साइड स्वास्तिक बनाया हुआ और एक साइड श्री लिखा हुआ है। कलश में सबसे पहले मैं आऊँगी, उसके बाद मैं उस कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर दूँगी। फिर उसमें मैंने डाला हल्दी की गांठ और उसके बाद डाला सुपारी, अक्षत, मिश्री, लौंग, इलायची और इसके बाद पुष्प, दूर्वा और एक सिक्का। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर रख दिया यहाँ पे आम का पल्लव। आप 5, 7, 11 ऐसे पत्तों वाले आम इसमें रख सकते हैं, आम के पत्ते। और उसके बाद ये देख सकते हैं हमारी चौकी है जिसे मैंने पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल से बनाया हुआ है अष्ट कमल दर। उसके ऊपर ये मैं जुआरे बोने वाला पात्र रख दी हूँ, इसे मैंने मिट्टी रख दी है। और ये जो जौ है इसको मैंने रात भर भिगो के अच्छे से रख दिया था। आप चाहो तो इसके साथ गेहूँ भी मिक्स कर सकते हो, मैं खाली जौ बो रही हूँ। और उसके बाद मैं मिट्टी थोड़ा सा ऊपर से भी हल्का डाल दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ना हाथ से ले लेके पानी पूरा अच्छे से मिट्टी को भिगो दूंगी मैं, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से सिंच जाए। और उसके ऊपर मैं यहाँ कलश अच्छे से स्थापित कर दे रही हूँ। कलश के ऊपर आपको ना एक चावल का पात्र रख देना है। और इसके ऊपर अब मैं रखूँगी यहाँ पे नारियल। नारियल को पहले मैं यहाँ चुनरी लपेट दूंगी उसके ऊपर, और उसके ऊपर उसके बाद मैं यहाँ पे मोली से गांठ बांध दूंगी। और जो कलश का मुख होता है उस साइड में यहाँ पे रोली लगा के यहाँ पे कलश को अच्छे से मुख को अपने साइड करके स्थापित कर दूँगी। और यहाँ मैं माता रानी को स्नान वगैरह करा रही हूँ। माता रानी की नई प्रतिमा मैं लेके आई हुई हूँ, तो इनको स्थापित करने के पहले इनको अच्छे से स्नान वगैरह करा के दर्पण दिखा के फिर इनका श्रृंगार वगैरह करके मैंने इनको स्थापित किया अपने मंदिर में। तो श्रृंगार के बाद माता रानी इतनी ज़्यादा प्यारी लगने लगी ना कि क्या ही बताऊँ, दिल एकदम खुश हो गया। तो आप लोग इंजॉय करके देखिए मैंने क्या क्या कैसे कैसे पूजन वगैरह किया है। दैत्य संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम मुख लेती हो, खड़ग त्रिशूल लिए धनु बाने सिंह चढ़े राड़े में लड़ती हो, दास की साथे सरदा सुदया करियान फते करती हो, मोही पुकारते देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो।